हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ सुबह हमने चाय वाय पी ली थी, उस टाइम का है ना बिली थी, और यहाँ मेथी छाँट रहे थे मेथी के पराठे बनाने के लिए। तो मेथी मैं छाँट रही थी, जो थी काट रही थी। उधर संजय फ़ोन चला रहे थे कंबल में लेट के, और मैं नहा ली थी। मेरा वर्क था, ये सोमवार की क्लिप है सुबह की। और यहाँ पे मेथी छाट रहे थे पराठे के लिए। मेरा तो वर था, ये बोले मेथी के पराठे खाएंगे ज्योति, और भैया और संजय तो नहीं खाते, ज्योति मम्मी पापा खा लेंगे। और फिर ये है शाम की क्लिप, शाम की क्या रात की। तो रात में बने थे आलू के पराठे, फिर बोले ठंड हो रही थी कि आलू के पराठे और चाय खाएंगे। तो मेरा भी वर्त, मैं भी एक टाइम खाना खाते हैं, तो मैंने आलू के पराठे और दही खाए थे। मैंने बिना प्याज के बना लिए थे अपने, और इनके मैं प्याज डाल दी थी। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, और ज्योति खा रही थी दही पराठा, भैया ने और संजय ने इन्होंने खाए थे चाय पराठे, हमने खाए थे दही पराठे। मैंने मुझे पराठे के साथ दही ही पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं पराठे ही बना रही थी। तो और संजीव खा चुका था सबसे पहले, क्योंकि उसके तो आलू के पराठे फेवरेट हैं, तो वो तो बनते ही खा लेता है, खाली भी खा लेता है साथ में कुछ ना हो तो। तो बस यहाँ मैं बेल रही थी, और फिर ज़्यादा ज़्यादा आलू भर के और बड़े बड़े बनाते हैं ना, तो टेस्टी बनते हैं। और आटा तो उतना ही लेते हैं रोटी जितना, लेकिन आलू भरते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाता है, ज़्यादा से आलू डालो और फिर वो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो मैं ऐसे कर रही थी, तो संजीव कहने लगा मम्मी ये तो तुमने पेड़े की तरह कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही होके तो बनता है बढ़िया पराठा, फिर फटते नहीं, और ज़्यादा ज़्यादा मसाला डालो चाहे कितना भी ज़्यादा भर लो, बिल्कुल भी नहीं फटते इस तरीके से बनाओ तो। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे थे। किस किस को पसंद है, आप भी आ जाओ आलू के पराठे खाने। ठंड में तो अच्छे लगते हैं, गर्मी में तो नहीं अच्छे लगते, सर्दियों में तो अच्छे लगते हैं। ये तो गर्मी में भी बनवा लेते हैं कई बार, लेकिन मुझे गर्मी में पसंद नहीं है, ठंड में तो खा लेती हूँ फिर भी। तो यहाँ पे बस हो गया, और फिर ये अगले दिन की सुबह की क्लिप है। मैंने मलाई जमाई थी, तो देखो अच्छे से जम रही थी, दही हो रहा था मलाई का भी बिल्कुल जम के। और अभी इसे मैं डाल देती हूँ बिलोने वाली इसमें, तो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, और जो मलाई जमाई हुई थी वो भी डाल दी, भगोना खाली कर दिया। अब लगा देती हूँ रई, और तब तक चाय चुई बनाऊंगी, तब तक रई लगा देती हूँ, मक्खन मिल जाएगा, फिर उसके बाद निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रई लगा दी थी, 5 से 10 मिनट के बीच में अच्छे से मक्खन आ जाता है। तो देखो यहाँ पे हो गई थी 10 मिनट, तो देखो कितने अच्छे से मक्खन आ गया है। और अब तो ठंडा पानी भी नहीं डालना पड़ता सर्दी में, तो गर्मी में ठंडा पानी डाल। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं धूप में आई थी छत पे, और करीब 1 बजे का टाइम हो रहा दोपहर का, और आज काफ़ी तेज़ सूरज आ रखा है, बैठा भी नहीं जा रहा, पीछे से धूप लग रही। तो मैंने स्टॉल डाला हुआ है, और ये बाहर गली में कुछ काम हो रहा था, गली टूट रही थी, नई सड़क बनेगी तो पुरानी वाली को तोड़ रहे थे। जैसी भी चल रही है उसी की ही आवाज़ आ रही है, और संजीव उड़ा रहा देखो पतंग, इसकी पतंग तो कहाँ है मुझे ही नहीं दिख रही, ऊपर है, दिखेगी तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और उधर ज्योति बैठी है, वो भी फ़ोन चला रही है धूप में बैठ के, स्क्रीन भी नहीं दिखती धूप में बैठ के ना, फ़ोन चलाने की यही वो हो जाती है। और मम्मी भी फ़ोन में सीरियल देख रही है, शॉल से ढक के फ़ोन, और फिर मम्मी सीरियल देख रही हैं, और संजीव पतंग उड़ा रहा है। तो हमारा काम ख़त्म हो गया था, और धूप भी काफ़ी तेज़ आ रही थी, आज थोड़ा जल्दी हो गया था, कभी कभी ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैं भी धूप में आ गई थी कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, बहुत तेज़ से आ रही थी, सोचा था थोड़ी देर धूप में लेटूंगी, पर बहुत तेज़ से लग रही है। तो फिर पीछे से स्टॉल ढक के फिर बैठी हुई थी, और गली में जेसीबी का काम हो रहा वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। सड़क टूट रही है, फिर नई पड़ेगी, पता नहीं कब डलेगी नई वाली, तो लेकिन इसे तोड़ रहे हैं लेंटर को जो सड़क का है, और जेसीबी चल रहा है उसी की आवाज़ आ रही है। और अभी दिखाती हूँ मैं संजीव की पतंग कितनी ऊँची उड़ रही है, देखो दिख रही है वो येलो कलर वाली, अभी तो इधर एक ही उड़ रही है, एक और उड़ रही थी वो इसने काट दी, तो अभी एक ही है येलो कलर की, काफ़ी ऊँचे पर उड़ रही है, तो मैंने जूम करके दिखाया था।
तो यहाँ पे संजीव की पतंग उड़ रही है और ये बाहर का मौसम देख लो, ये पीपल का पेड़, ये बड़ा भारी पेड़ है, सब कुछ सूख जाता है, इसके पीछे चांद भी नहीं दिखता, सूरज भी उगता हुआ, और जब धूप आती है तो पहाड़ भी ये मनसा देवी वाले बिल्कुल साफ दिखते हैं, और कोहरा होता है तो नहीं दिखाई देते, लेकिन धूप आई रहती ना तो आसमान साफ होता है तो दूर तक का दिखाई देता है सब। और देखो संजीव लगा है पतंग उड़ाने में और बाहर चल रहा है जेसीबी, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और रहे कोने पर मुड़ नहीं रहा, स्पेस कम है ना तो इधर मुड़ने में दिक्कत हो रही है, और उधर का तो तोड़ दी, अब इधर की तोड़ेंगे। जाओ जाओ। तो यहाँ पे आज जेसीबी ने हमारी सारी सड़क तोड़ दी है, काफ़ी दिन से गड्ढे हो रखे थे ना, वो बीच बीच की टूटी हुई थी, 2 साल हो गए होंगे करीब, गैस के और लाइट के तार दबे थे ना, तब ये गली खोदी थी तो जगह जगह पे गड्ढे थे, वैसे ही मिट्टी डाल रखी थी, रोड नहीं बनी थी, तो अब ये पूरी उखाड़ दी, जो भी लेंटर पड़ा हुआ था पूरा उखाड़ेंगे और फिर टाइल बिछाएंगे। तो बस आज सारी सड़क तोड़ दी, आज पूरे दिन जेसीबी चला था, खट 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 सारे दिन, पूरे दिन आज यही आवाज़ आई थी, तो मैंने वीडियो भी बना लिया था कि अब हमारी नई सड़क डलेगी, अब डलने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता, और आज उखाड़ तो दी है और अभी तक तो पत्थर भी नहीं उठाए हैं, ये तोड़ के ऐसे ही डाल के चले गए, अभी तक तो उठाए भी नहीं है। मैं चाय बना रही हूँ, यहाँ पे शाम के 3 बज गए हैं और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, पहले बिना अदरक की बना रही, फिर उसके बाद अदरक की बनाऊँगी, तो ये बगैर अदरक की है, और इधर रख रखा है दूध गर्म होने के लिए, आज आया तब नहीं किया था, थोड़ा लेट आया था, फिर हम ऊपर चले गए थे तो ऐसे ही रख दिया था, अब गर्म कर रही थी मैं इसे, एक गैस पे दूध रखा हुआ था और एक पे चाय बन रही थी, फिर अदरक की बनाऊंगी, पहले अपनी बना लेती हूँ। और बाहर चल रहा है जेसीबी, दिन से ही चल रहा है, तो आज हमारी सारी सड़क टूट गई है, जेसीबी चल रहा है और यहाँ पे बस मेरी चाय उबल गई, फिर बनाऊंगी अदरक वाली, यहाँ पे अदरक वाली चाय भी उबल गई और दूध भी उबाल आ गया, ये मेरी चाय रखी इधर और ये भी उबल गई, आप भी आ जाओ चाय पीने, और हमारा दूध भी गर्म हो गया है, धीमी कर रखी, थोड़ा सा और उबल जाए फिर बंद कर दूंगी। हेलो फ्रेंड, राम राम जी सबको, कैसे हो आप सब? तो बस अभी ये कल जो मैंने वीडियो बनाया था
थोड़ा सा परसों का था और थोड़ा सा कल का, तो अभी मैं धूप में आई थी काम वाम करके, तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर देती हूँ और शाम को डाल दूँगी। आज भी कोई क्लिप नहीं बनाई मैंने, कोई वीडियो नहीं बना, तो इसे एडिट कर देती हूँ, इसे डाल दूँगी शाम को। तो चलो, आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब लोग यहीं तक, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।